वेलकम टू इंडिया रिएक्शन वीडियो। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दिनेश फोगाट न्यूज़ पर मोदी जी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हुकम शुरू करें, हुकम। और विनेश, ये तो मेरे ही परिवार की है। क्या बेटा, बहुत तुम गुस्सा आ गया तुम्हें? अपने आप पर गुस्सा क्यों करती हो? देखिए, तुमने बहुत अच्छा खेला है और तुम्हारे परिवार ने, पूरे परिवार ने बहुत कुछ अच्छा दिया है। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो विनेश, मैं पूरे परिवार को तुरे जानता हूँ, तुम्हें दिनों नहीं देख सकता हूँ। वरना एक था करो, हफ्ते 10 दिन के बाद मम्मी बहने सब मेरे यहाँ बैठूंगा, बैठ देगा आधे घंटे कौन लोग। नेशनल कैंप्स में जो कोचेज होते हैं, सभी कोच नहीं हैं उसमें, लेकिन कुछ कोचेज हैं जो फेडरेशन के खास हैं, जो खुद शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं, उसकी मैंने आवाज़ उठाई है इस बार, और उसके बावजूद भी वही चीफ कोच नेशनल कैंप में लगाए गए हैं। अच्छा, हाँ जी, मतलब आप सेक्सुअल जी 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 एक आपने कोचेज की बात बोली, दूसरा और डिमांड, और वही कोचेज जो कैंप में लड़कियां होती हैं उनके साथ में बातचीत करवाते हैं लड़कियों की, शोषण करवाने के लिए ही। और अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया है। बहुत बड़ा कांड था ही तो। आप खुद कह रहे हो कि उन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट किया। आप बहुत सारे जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उनको पता है, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई बोल नहीं पाता है। बहुत सारे जर्नलिस्ट लोगों ने बोला है जी, सेक्सुअल हैरेसमेंट जी, जो कोचेज होते हैं जो हमारे वुमेन्स कैंप में, उनमें से कुछ कोचेज, सभी नहीं है, महिलाओं के साथ भी और लड़कियों के साथ भी, और वही लड़कियों से बात करवाते हैं और फिर अध्यक्ष जी उनके साथ में शोषण करते हैं। और पता नहीं हजारों तो नहीं बोलूं मैं, 100 लड़कियां एथलीट्स भी उसमें शामिल हैं। यहाँ पे जो लोग लड़कियां बैठी हैं उसमें से एक दो लड़की के साथ भी ये घटना हुई है जी, यहाँ पे जो बैठी है जी। ब्रजभूषण सिंह की गिनती दबंग नेताओं में देखी होती है। उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं, कैसरगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। छात्र जीवन से ही राजनीतिक तौर पर बेहद सक्रिय रहे ब्रजभूषण चरण सिंह, जिन पर आरोप लग रहे हैं। युवा जीवन अयोध्या के अखाड़ों में उनका गुजरा, पहलवान के तौर पर ये खुद को शक्तिशाली कहते हैं। डेली होता है सर, डेली होता है सर। कितने सालों से आपको ये? बहुत, जब से अध्यक्ष जी को हम जानते हैं तब से हम यही कहानियां सुन रहे हैं। और मैं बता रही हूँ ना, यहाँ बैठी लड़कियों के साथ भी अगर हुआ है तो उनमें से कोई एक दो तो है। हमारा कैंप लखनऊ होता है, हमने बहुत बार रिक्वेस्ट किया कि सर हमारा लखनऊ में कैंप क्यों लगाया जाता है। हमने प्रधानमंत्री जी से लेके, हमने खेल मंत्री जी से लेके, हमने सबको रिक्वेस्ट करके, हमने लेटर भी बना है, वहाँ शोषण इजीली होता है और उनका वहाँ रीच इजी। मोस्टली रेसलर है या यूपी से है या इधर से है, हरियाणा से है, सब अलाउड नहीं है, पेरेंट्स अलाउड नहीं है। हमारी निजी जिंदगी में दखलंदाजी करते हैं कि मैंने किससे शादी कर ली, कौन मेरा बॉयफ्रेंड है, कौन मेरी गर्लफ्रेंड है, बजरंग ने किससे शादी कर ली, अभी शादी क्यों कर रहे हो। मतलब हमारी निजी जिंदगी में भी उनका दखलंदाज इतना है कि हमारी फैमिली तक की उनको खबर रहनी चाहिए कि हमारी फैमिली में भी कौन जी रहा है, कौन मर रहा है। सही कह रहे हैं आप, खिलाड़ियों की बड़ी दुर्दशा है। जय मोड़ा मगरमच्छ कहां सुना बा, जो खाली खिलाड़ी रहते तो का इतना जोखिम लेके हमसे मिलने आता। सही बात है,